बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीएनएन न्यूज और मैं हूं गुलाम जहरा। अब रुख करते हैं खबरनामे की तरफ। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। अमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कैंट के इलाके में पुलिस यूसी स्क्वाड पर मुलजमान की फायरिंग, पुलिस कांस्टेबल जख्मी, जवाबी कार्रवाई पर एक मुलजम हलाक। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने जख्मी होने वाले कांस्टेबल तजम्मल हुसैन की इयादत और हौसला अफजाई की। इब्तदाई इतलात के मुताबिक थाना कैंट के इलाके में दौरान पुलिस मुकाबला बदनामे जमाना मंशियात फरोश के साथियों समेत यूसी स्क्वाड पर फायरिंग से पुलिस एहलकार तजम्मल हुसैन शदीद जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजमान फरार हो गए, जबकि एक मुलजम फायरिंग से हलाक, जिसकी पहचान जहीर उर्फ बिल्लू भट्टी वल्दरफिक सकना भुरता हुई, जो रिकॉर्ड याफ्ता और बदनामे जमाना मंशियात फरोश है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। फरार होने वाले मुलजमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई है। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल मौके पर पहुंचे। जख्मी होने वाले कांस्टेबल तजम्मल हुसैन की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। गाजी कांस्टेबल तजम्मल हुसैन की हौसला अफजाई की और बेहतरीन इलाज की हदायत की। डीपीओ का कहना है कि फरार होने वाले मुलजमान कनूट की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए। मेरा ईद मेन्यू बनी एक्स्ट्रा स्पेशल विद नेस्ले मिल्क पैक क्रीम।